अरे इस हवेली की बहू, अरे माँ इसे देख क्या रही, चल अपनी बहू का स्वागत कर। अपने आप को बहुत स्वाभिमानी और संस्कारी कहती हो ना, फिर आज इस तरह मेरे बेटे के साथ मेरे घर में आने में शर्म नहीं आई तुझे? मेरे बेटे की शादी को लेकर कितने अरमान थे मेरे, सोचा था जो रत्नेश की शादी में कमी रह गई है वो यहाँ पूरी करूंगी, लेकिन तेरी लालच के कारण सब बर्बाद हो गया सब कुछ। मुझे जो भी कुछ कहना है मुझसे कह, क्योंकि गौरी के घर में बारात ले जाने का फैसला मेरा था। इसमें गौरी की कोई गलती नहीं और ना ही दादू और भाभी की। रुद्र, अगर शादियां इस तरह खेल खेल में होती तो रिश्तों की कोई अहमियत ही ना होती हमारे देश में। माफ करना बाबूजी, लेकिन आपके मुंह से ये रिश्तों को अहमियत देने की बात अच्छी नहीं लगती। इस घर में तो रिश्तों की अहमियत है ही नहीं बाबूजी। हमारे घर में दादू सबसे बड़े, उनको आज तक उनका मान सम्मान नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए। आप लोगों को अगर किसी चीज की फिक्र है तो वो है अपने बिजनेस की, अपने रुतबे की, अपने पैसों की, और शायद यही वजह है कि रत्नेश भैया भाभी से ज्यादा अपने बिजनेस को इंपॉर्टेंस देते हैं, और शायद इसीलिए आज तक मैं आप लोगों से दूर भागता है। नहीं रुद्र, अगर मेरे इस घर में आने से इस घर की सुख शांति चली जाए तो मेरा यहाँ आने का क्या फायदा? ऐसे भी एक बहू का काम तो घर को जोड़ना होता है, घर को तोड़ना नहीं। गौरी तू समझ नहीं रही है, मैं तेरा पति हूं। अब ये लोग तुझे मेरे साथ इस घर में रहने नहीं देंगे तो तू बता मैं क्या करूं? नहीं तू बता। माँ जी अभी यही चाहती थी ना, इस घर के सभी लोग एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहें, तो फिर पूरे मान सम्मान के साथ गौरी को इस घर की बहू स्वीकार कर लीजिए। बहू, तुम 5 साल से इस घर का हिस्सा हो, फिर भी इस घर के नियमों को अच्छी तरह से समझ नहीं पाई हो तुम। अगर बच्चे अपनी मर्जी से सिर्फ अपने लिए जी सकते हैं तो माँ बाप को भी उनके बिना जीने का पूरा अधिकार है। लोग इतने उदास क्यों? नई दुल्हन घर में आई है, बेटी की विदाई थोड़ी हो रही। आप लोग घबराइए मत, मैं माँ बाबू जी को मना लूंगा। माँ और
और बाबूजी को मनाने में मैं तुम्हारे साथ हूँ रुद्र। अरे केतकी, रेवती, अरे तुम लोग खड़े क्यों? अरे जाओ भाई, आरती की थाली लाओ। अरे अभी तो उसका गृह प्रवेश बाकी है भाई। जी दादाजी, अभी लेकर आती हूँ। अब तक तो मेरी गौरी का गृह प्रवेश भी हो गया होगा ना झुमरू? नहीं मौसी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो ललिता पावा राजरानी इतनी आसानी से गौरी दीदी को अपनी घर की बहू बना लेगी। बच्चे ऐसे बातें नहीं करते झुमरू। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं सब समझता हूँ। और मुझे नहीं लगता कि गौरी दीदी की सास उसे इतनी आसानी से अपने घर की बहू बना लेगी। मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ झुमरू। अगर उसकी सास ने उसे नहीं भी अपनाया ना, तो भी वो अपने प्यार से सबका मन जीत लेगी। मुझे पूरा भरोसा है अपनी बेटी पर और उसे दिए संस्कारों पर, समझा? अरे सुनहरी, एक मिनट। अरे अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गई, हम तो तुम्हारे घर में आने वाले थे। अरे ये देखो, ये रहे घर के कागजात। उनके वहां रिवाज है, जब लड़की वाले अपनी लड़की का कन्यादान करते हैं उसके बदले में वो लोग कुछ देते हैं। रुद्र के दादाजी ने मुझसे घर छुड़वा लिया है। आराम से रहो, है? चलता हूं। इन कागजात के बारे में मुझे गौरी से बात करनी होगी, फिर वो जो कहेगी मैं वही करूंगी। उससे पूछे बिना मैं ऐसे कोई भेंट कैसे ले सकती हूँ? अब इस हवेली को घर और घर से मंदिर बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। भाभी, इस घर में तो ऑलरेडी एक मंदिर है, तो फिर दूसरा मंदिर क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमारा मन कर रहा है इसलिए। वैसे भी जो हम मंदिर बनाएंगे ना, वो तू अपने साथ ससुराल ले जाना शादी के बाद, चलेगा? अरे यार, ये तो ससुराल का नाम सुन के ही सेंटिमेंटल हो गई। वैसे आज हवाई कुछ सेंटी है, नहीं? आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे एक आलीशान हवेली में नहीं बल्कि एक प्यारा सा घर हो, जहां आंसू ही सच्चे हैं और हंसी भी। और ये सब इस घर में सिर्फ तुम्हारे शुभ कदम पड़ने की वजह से हुआ है गौरी। अभी काश आप सब की तरह माँ और बाबूजी भी मुझे अपना ले।
चिंता मत कर बेटी, तेरे संस्कार उन्हें इतना मजबूर कर देंगे कि उन्हें तुझे अपनाना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा दिल कह रहा है। आप लोग मुझसे नाराज क्यों? अरे मैंने तो जिंदगी में पहली बार कोई सही काम किया। एक ऐसी लड़की को मान दिया है जिसने हर वक्त हर मुसीबत में मेरा साथ दिया है। बाबूजी, मैं जानता हूं मेरे लिए अपना बीता हुआ कल भुलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने बीते हुए कल की वजह से मैं गौरी के आने वाले कल को बर्बाद कर दूं। ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं बाबूजी? अगर आपको लगता है कि मैं सही कर रहा हूं तो प्लीज गौरी को अपना लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरी वजह से आप जिंदगी भर कभी नहीं पछताएंगे। बाकी आप लोगों की मर्जी। तुम तुम्हारे मम्मी पापा के यहाँ जा रही हो, वहां रहो और आराम से फैसला करो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मैं या तुम्हारा बीता हुआ पास्ट रुद्र। जब से तू आई है मैं देख रही हूँ कि परेशान सी रहती है, बात भी नहीं कर रही है ढंग से। तेरे और दामाद जी के बीच सब कुछ ठीक है ना बेटा? मैंने तेरे लिए भरवा करेले बनाए हैं, बहुत पसंद है ना तुझे? चल मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। भूख नहीं है माँ।
कैसे भूख नहीं है? जब से तू आई है पानी का एक बूंद तक नहीं पिया है तूने। मैं भी तो जानू कि मेरी बेटी किस बात से परेशान है। पापे के साथ झगड़ा हो गया माँ, इस वजह से परेशान। और आपने ही तो कहा है कि पति पत्नी के बीच की बातें दोनों के बीच में ही होनी चाहिए। अब समझ में आया, तेरी दामाद जी के साथ अनबन हो गई और तू यहाँ चली आई। तू भी ना पीहू, जैसी बचपन में थी आज भी बिल्कुल वैसी ही है। तब भी गुस्सा तेरे नाक पे रहता था और आज भी। हाँ माँ, आज तक मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई तो मेरे गुस्से की वजह से तो हुई। काश काश मैं ये गुस्सा अपने आप से दूर कर पाती। मैं तेरी परेशानी समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन जैसे मैं कहूँ अगर तू वैसे ही करेगी तो तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी और तू भी अपनी शादीशुदा जिंदगी बाकी लड़कियों की तरह खुशहाल तरीके से जी सकेगी। लेकिन माँ। हाँ बेटा, माँ बाप का फर्ज यही होता है कि सुख में अपने बच्चों के साथ रहे ना रहे, लेकिन दुख में अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तेरी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और उसका तरीका है मेरे पास। चल तू मेरे साथ, मैं तुझे बताती हूँ। बोलो तो सही माँ। मैंने कहा ना, तू चल मेरे साथ। लेकिन माँ आप कहाँ लेकर? भाभी लेकिन ये सब होगा कैसे? अगर तुम चाहो ना गौरी तो ऐसा जरूर होगा। आज तुम्हारे इस घर में पहला दिन है और घर की नई बहू को पहले ही दिन कुछ मीठा बनाना होता है। बाबूजी को सूजी का हलवा बहुत पसंद है और ये तो सभी जानते हैं कि तुम्हारे हाथों में जादू है। हो सकता है ये जादू बाबूजी पर भी असर कर जाए। भाभी मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, बाकी सब शिवजी पर है। शिवजी का हाथ तो हमेशा से ही तुम्हारे सर पर रहा है गौरी, घबराओ मत, जीत तुम्हारी होगी। वैसे भी कोशिश करने वाले को कामयाबी जरूर हासिल होती है। बनाना शुरू करें सूजी। सच ही कहते हैं लोग, अगर घर की बहुएं अच्छी हों तो घर में लक्ष्मी का निवास जरूर होता है। आज इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये दोनों मिलके इस घर के माहौल को और इस घर के लोगों का रवैया बहुत जल्द ठीक कर देंगे। अरे बड़ी बहू, बड़े चपाती तो दे। जी रत्नेश का फोन आया था आपके लिए, उसे फोन कर लीजिएगा। अरे वाह छोटी बहू, एकदम सही वक्त पे हलवा लेकर आई, वरना मैं खुद किचन में आने वाला था। इतनी देर से खुशबू आ रही थी, सबसे पहले जयराज को दे, ये हलवा बहुत पसंद है। मनाने की कोशिश की लेकिन मानते नहीं। इनका अहंकार, इनका गुस्सा, गौरी ना मुझे दे हलवा।
माँ जी, आप लोगों के बीच का ये तनाव मुझसे और देखा नहीं जा रहा है। अगर आपको लगता है कि मैं इस घर की बहू बनने के काबिल नहीं हूँ, तो मैं आज ही हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाऊंगी। अब भी और इसी वक्त